बहुत लीडर्स लोग आकर मुझे कहते हैं कि महाराज मुझे स्टेट जीतना है, लेकिन अगर आपको काम शुरू करना है तो सबसे पहले आप अपना गांव जीतो। अगर आप अपने गांव में लीडर हैं, अगर आप अपने विलेज काउंसिल में लीडर हैं, तभी आप असेंबली में लीडर हो। तो मैं अपने सब वॉरियर्स को, तिपरा मौथा के वॉरियर्स, सीनियर्स, YTF, तिपरा बुरी बदल, TWF, हमारे कर्मचारी, सबको बोलना चाहता हूँ कि जो लोग बड़ा सपना देखते हैं, सबसे पहले आपको खुद का गांव जीतना है। विलेज काउंसिल इलेक्शन अब अक्टूबर में होगा और नवंबर में पूरा इंडिया को क्लियर होना चाहिए कि तिपरासा रेडी है वन लास्ट फाइट के लिए। मैं अकेला आपके लिए फ़ाइट कर रहा हूँ और मैं आपको सिर्फ अपील करता हूँ कि ये फ़ाइट घुबागरा का फ़ाइट नहीं है, ये फ़ाइट हर तिपरासा का है जिसने 70 साल से जिनको डिनाई किया गया है। ये हमारा एग्जिस्टेंस का फ़ाइट है, ये हमारा सर्वाइवल का फ़ाइट है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर हमें विलेज काउंसिल इलेक्शन जीतना है तो काम अब से शुरू होना पड़ेगा। ये विलेज काउंसिल इलेक्शन हमारा सेमीफाइनल है और फाइनल असेंबली इलेक्शन है। सेमीफाइनल जीतने के लिए पूरा तैयारी शुरू कर दो और ये मत देखो कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ये देखो कि हमारा जो ग्रेटर तिपरालैंड का मूवमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का डिमांड है, ये कमज़ोर ना हो। अगर हमने ये इलेक्शन जीता तो सेंटर को हमारे बारे, तिपरासा के बारे सोचना ही पड़ेगा। बेलाई नो हम बाय। पहले अपना काम ही जीतो, पहले अपना गांव जीतो, पहले अपना विलेज काउंसिल जीतो, उसके बाद हम अपना देश वापस लेंगे अपने हाथ में। आप लोग सब रेडी हो जाओ, विलेज काउंसिल इलेक्शन में हमें दिखाना है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। ये आपका सेमीफाइनल है, फाइनल असेंबली इलेक्शन है, सेमीफाइनल विलेज काउंसिल इलेक्शन है। तिपरा मौथा के वॉरियर्स, सीनियर्स, YTF, TWF, TEF, आप लोग सब अभी अपना गांव जीतो, अपना विलेज काउंसिल जीतो, उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हमारा जो ग्रेटर तिपरालैंड का फाइट है वो और स्ट्रांग होगा और सेंटर को हमें सुनना ही पड़ेगा। हम बाय।